हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आए हैं फरारी वर्ल्ड में, रेड अटायर में है। हम लोग फरारी की गैप्स पहन के आए हैं, फुल ऑन फरारी मूड में। अगर आपने हमारे आए लेट हैं, हाँ लेट आए 2 बजे, हाँ 2 बज गए हैं, बहुत थक गए थे हम लोग। और है वैसे 8 बजे तक है, हाँ 8 बजे तक है, देखते क्या अंदर, हाँ 8 बजे तक है। और अगर आपने हमारे लास्ट व्लॉग्स नहीं देखे हैं वार्नर ब्रोस का और कसर अल वतन का और सी वर्ल्ड का, तो वो भी प्लीज़ जाके देखिएगा जल्दी जल्दी से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, ठीक है। तो अब जल्दी से चलते हैं, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं, तो जल्दी से अब अंदर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं राइड। तो वो सामने वहाँ पे टिकट काउंटर है और हम लोग क्विक पास नहीं ले रहे हैं। हमने सोचा था हम लोग अपग्रेड करा देंगे, मगर नीड नहीं लग रही है, इतना ज़्यादा कुछ रश है नहीं है अंदर। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ये टिकट काउंटर है, हम लोगों ने ऑनलाइन बुक की है और वो भी डिटेल सारी की सारी हमारे पहले ब्लॉग में है और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी। और अगर आपको फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। और एक और चीज बता दूं कि हम लोगों ने तीनों पार्क एक पार्क के प्राइस में लिया है। हाँ, तीनों कॉम्बो लिया है। चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ से अभी हमारी एंट्री हो गई है और आते ही यहाँ पे पहले फरारी दिख गई है। वाओ, चलो। और फिर से इस पार्क की भी बेस्ट पार्ट यही है, ये इंडोर है, बाहर की गर्मी का रियलाइजेशन ही नहीं होता अंदर। तो अभी हम लोग एक राइड लेके आ गए हैं, वो वी आर वाली थी, नहीं वी आर नहीं थी, वो 4DX, हाँ कुछ ऐसे की थी, वी आर नहीं था। और अब हम लोग जाने वाले हैं इसमें। ये है जूनियर रोलर कोस्टर, बड़ा वाला तो बहुत ही बड़ा है, ये जूनियर रोलर कोस्टर है। 2 राइड्स है। The big one reaches the top speed of 240 kilometers. चलो let's go. इन्होंने बहुत खपाई। तो अभी हम लोग छोटा जूनियर रोलर कोस्टर करके आए हैं और गला थोड़ा सा बैठ गया है। मैंने और इक्विपमेंट ने तो बहुत शोर मचाया और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। छोटे बच्चे भी जा सकते हैं इस वाले में, तो अच्छा था। हाँ चलो, अभी हम लोग लंच करने का सोच रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी राइड्स हैं जो अभी लेनी है। तो अभी हम लोग लंच करने आ गए हैं। हम आए हैं यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ पे, एल पोडियो। और खाने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जैसे यही प्रॉब्लम हमको वार्नर ब्रदर्स में भी हुई और सी वर्ल्ड में भी हुई कि खाने के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है दाल मखनी विद राइस, और नहीं, दाल मखनी विद नान, और एक हमने बिरयानी ऑर्डर किया। तो हमारा और ऑलमोस्ट बिल बना है 102 दिरहम का, तो जो कि कॉस्टली है, अंदर है तो कॉस्टली है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। यही रेस्टोरेंट दिखा, एक हमें आगे रेस्टोरेंट दिखा था उसमें बर्गर्स वगैरह थे, तो वो तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हमारा लंच आ गया है, ऑप्शन चाहे ज़्यादा नहीं है, मगर इन्होंने क्वांटिटी ठीक दी है 3 बंदों के अकॉर्डिंगली। बटर नान है यहाँ पे, ये दाल होगी, दाल दिखती है आपको, मैं दोबारा से दिखाती हूँ। ये नान है, बटर दाल मखनी होगी, थोड़ा सा सैलेड है, और ये वेज बिरयानी है। तो इसमें और ये इग्नोर है, इसमें वेज बिरयानी में भी कॉम्बो का भी ऑप्शन था। तो बस, और अब हम लोग फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन है, रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं है, मगर ये आप प्रेफर कर सकते हो। फिर खाना आने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि आप ये प्रेफर कर सकते हैं कि हाँ आके खा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये जो सिमुलेटर
टाइगर राइड ली है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, कैसे फरारी बनती है, कलर कैसे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सेफ राइड थी यहाँ के अकॉर्डिंग थी। ये लिख लू, थैंक यू। मजा आ गया, इग्नोर, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ वाओ नाइस। हम गए थे अभी यहाँ पे फरारी जहाँ लिखा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने एक और सिम्युलेटर राइड लिया। आप भी ध्यान रखना, बाहर बाहर से होके चले मत जाना, ये अंदर काफी सारी राइड्स हैं अंदर। हाँ तो बहुत इंजॉयमेंट वाली राइड्स हैं ये। और हाँ ये होगी हमारी अभी अभी हुई है, तो सिम्युलेटर राइड्स जरूर लेना अगर आए हो तो। बार बार से ही राउंड लगा के चले मत जाना। बाहर जो है वो सारी वो नॉर्मल राइड्स हैं, ये सिम्युलेटर 3D 4D ऐसे की फील कराते हैं, अच्छी फील कराते हैं। और यहाँ लोकेशन इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी, वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। और कैमरा भी जस्टिस नहीं कर रहा, वाओ। अभी हम लोग फिर से दो राइड्स करने आए हैं, एक तो ये सामने वाली ऊपर जाती है, नीचे गिर जाती है, और एक ये देखने में बहुत छोटी लग रही है मगर झटका देती है एक बार पे। हाँ तो बहुत ही मजेदार थी ये दोनों राइड्स भी। अब हम लोग वो येलो वाली पे जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। नूर कैसा था एक्सपीरियंस? आई केम फर्स्ट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें क्यों नहीं मिला? हमें भी करना था मगर चलो एक नूर ने किया, हमें वो भी अच्छा लगा। And I was all little bit above. Yeah. No, not above. चलो लेट्स गो। एक और राइड करके आए, ये भी बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही अच्छी थी। एक अच्छी चीज ये है कि हाँ सबके अकॉर्डिंगली इन लोगों ने डिजाइन की है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, एडवेंचर जो लेना चाहते हैं पीपल उनके लिए भी है। तो चलो ये यहाँ पे है अब फरारीज की कलेक्शन, वाओ सो प्रिटी। तो हमारा फरारी वर्ल्ड भी बकेट लिस्ट टिक हो गया। एंड इट वाज वेरी फन। कई राइड तो हमने दो दो बार ली हैं सही से वाली। बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत बहुत ज्यादा। और अगर आपने हमारे लास्ट व्लॉग नहीं देखे हैं, यही व्लॉग देख रहे हो तो लास्ट वाले भी जाके देखना, वार्नर ब्रदर्स, सी वर्ल्ड, कसर अल वतन का। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, you can click the I button over here. So that's it finally for this video. So don't forget to subscribe our channel and like our video and share it with your family and friends. So bye bye from Vancouver. Bye bye. See you guys in the next one.